हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड मैं कम सर सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो फ्रेंड बेसिकली आज हम लोग बात करेंगे कि आप किस तरह से अपने फ़ोन पे के यूज़र नेम और फोटोज़ को चेंज कर सकते हैं। सो वीडियो को शुरू से अगर लास्ट तक देखिए, वीडियो अपनी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो देरी के साथ की है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने सेकेंड फ़ोन का स्क्रीन रिकॉर्डर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप बगल में देख सकते होंगे मेरे सेकेंड फ़ोन का स्क्रीन रिकॉर्डर, और मेरे इस फ़ोन में डुअल फ़ोन पे है, ठीक है। तो मैं पहले वाले फ़ोन पे का फ़ोटो और नेम चेंज करके आपको दिखाता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको ये फ़ोन पे एप्लीकेशन ओपन कर लेना हो, ठीक है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो अगर आपने पैटर्न डाला हो तो पैटर्न डाल लेंगे, नहीं तो फिंगर होता है आप तो फ़ोन में फिंगर भी लगा सकते, ठीक है। अपना लॉक खोलने के बाद आपको सिंपली ये ऊपर वाला जो आइकन देख रहे होंगे, योर लोकेशन, ये आप जहाँ से हैं आप, ठीक है। तो आपको वहीं पर एक मैन का आइकन दिखाई दे जाएगा, लोगो, ठीक है। तो आपको वहाँ पर क्लिक कर लेना हो। क्लिक करने के बाद देखिए मेरा कोई फ़ोटो नहीं लगा, ठीक है। तो आप अगर नए हैं तो फ़ोटो लगा भी सकते हैं, और अगर लगा रहे हैं तो आप चेंज भी उसी प्रकार से कर सकते हैं। तो सिंपली आपको उसी कैमरे पर क्लिक करना हो, ठीक। क्लिक करने के बाद आपको सामने कैमरा भी खुल जाएगा, फ़ोटो भी खुल जाएगा, फाइल भी, और जो भी आप होगा आपके फ़ोन में सब खुल जाएंगे। तो सिंपली मैं गैलरी से एक फ़ोटो चूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो कोई भी एक फ़ोटो मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं यही फ़ोटो इसमें लगा दे रहा हूँ। तो सिंपली आपको यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन आया रहा होगा, आप इसे अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सक्सेसफुली ये फ़ोटो अपलोड हो गया। तो आप सेम यही प्रोसेस से इस फ़ोटो को चेंज भी कर सकते हैं। तो फ़ोटो पर क्लिक करना होगा, पेंसिल का आइकन आएगा, फिर उसके बाद गैलरी में जाएंगे, फिर सेकेंड फ़ोटो जो भी आपका, अगर आपको ये फ़ोटो अच्छा नहीं है तो आप किसी और फ़ोटो को भी लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं ये फ़ोटो चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्रॉप का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, आप क्रॉप कर सकते हैं, या फिर जितना फ़ोटो आपको लगाना है वहाँ पर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो और अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए फ़ोटो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, ठीक है। तो मैंने ये बता दिया आपको कैसे चेंज करना है, और मैं इस वीडियो में आपको एक टॉपिक और बताऊंगा कि आप अपने फ़ोन पे के यूपीआई आईडी को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको सिंपली करना क्या होगा कि मैं भीम यूपीआई आईडी पे जाना होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऑलरेडी 3 यूपीआई आईडी बना रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, पहला, दूसरा एंड तीसरा। ये तीसरा जो कि आपके फ़ोन नंबर से बनता है, एंड दो आपको प्लस में बनाना पड़ता है, जो कि मैं आपको अभी इस वीडियो में दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। तो डिलीट करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए डिलीट हो गया ना, तो एक्टिवेट करने के लिए लिखेगा, ये पूरे तरह से हटा नहीं, क्योंकि ये मैक्सिमम 3 ईमेल आईडी, सॉरी यूपीआई आईडी बना सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर आपको सिंपली करना क्या होगा, ऐड न्यू यूपीआई आईडी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो यहीं पर आप क्लिक कर लेंगे और कुछ भी नाम YBL दे देंगे, ठीक है। उसके बाद आपके फ़ोन यू ये जो फ़ोन पे में जो बैंक है उसमें OTP आएंगे, सबमिट करेंगे, तो उस यूपीआई आईडी पर अगर कोई भी बंदा पैसा भेजता है तो आपके सीधे फ़ोन पे बैंक अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा दूसरा। एंड तीसरा जो कि मैंने आपको अभी बताया कि अगर आप यूज़र नेम चेंज करना चाहते हैं तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यूज़र नेम चेंज करने के लिए यहाँ पर फ़िलहाल आपको कोई वो नहीं यूज़र नेम चेंज करने का, ठीक है। तो यहाँ पर आप फ़िलहाल यूज़र नेम चेंज नहीं कर पाएंगे गूगल पे की तरफ से, ठीक है। तो अगर आप ईमेल आईडी यहाँ पर ऐड करते हैं तो हो सकता है ईमेल आईडी के थ्रू आपका नाम चेंज हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले फुल नेम जो है आपका वहाँ से हटा सर, आप यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर जैसे कि मैं कोई भी नाम दे सकते देता हूँ, जैसे कि ये जो एप्लीकेशन में है, सॉरी कुछ भी आपको पहले नाम मैं इंटर करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये नाम इंटर कर दिया और अपडेट चेंज पे क्लिक कर दिया। तो जैसे अपडेट चेंज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप नाम और फ़ोटो बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगे, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।